उत्तर प्रदेश की आईएएस बी चंद्रकला के बारे में यह कहा जाता है कि उनके जीवन का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। वे निहायत ईमानदार रही हैं, लेकिन इन दोनों वे सीबीआई के घेरे में हैं क्योंकि अवैध खनन मामले में उन्हें उलझाया गया है, ऐसा उनका मानना है। कुल मिलाकर उनके पिछले इतिहास पर नजर डालें तो वह सफर उनका बेहद संघर्षपूर्ण नजर आता है। कुल मिलाकर चंद्रकला द्वारा अपने इंजीनियर पति ए रामूलू से शादी के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। पारिवारिक जिम्मेदारियां उन पर थी, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का सहारा लिया और इसके माध्यम से उन्होंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। सिविल सेवा की इस परीक्षा में उन्होंने अच्छी तैयारी की और कुल मिलाकर उन्होंने इस पूरी परीक्षा में 2300 अंकों की कुल परीक्षा में 1234 अंक प्राप्त किए। इंटरव्यू में 300 में से उन्होंने 156 अंक मिले और 2000 की लिखित परीक्षा में उन्होंने 1078 अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर अन्य वैकल्पिक विषयों सहित कुल 2078 की लिखित परीक्षा में उन्हें 1078 अंक मिले, तो यानी उन्होंने अच्छे स्तर पर पढ़ाई की और इसका नतीजा यह निकला कि वे आईएएस के लिए चुन ली गई और उसके बाद सबसे पहले उन्हें यूपी क्वार्टर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।